हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग है ना राम राम जय हिंद ठीक है चलो तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक कोट है ठीक है क्या है कोट देखो फेयर किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल मतलब डर इंसान को वैसे ही इंसान की ज्यादा जो सपने है, जो आपके सपने होते हैं वो आपका जो डर है वही खत्म कर देता है ठीक है फेलियर से ज्यादा आपके मन का जो डर है ना वो आपके सपनों को खत्म कर देता है इसीलिए किसी भी चीज से डरना नहीं है फेलियर से से नहीं नहीं डरना डरना है है किसी भी चीज जो आपको सही लग रहा है वही करो ठीक है चलो तो ये इस इस कोट के साथ हम आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं तो देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जय श्री कृष्णा बेटा चलो आ जाओ सब है ना चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज मीजोट्रोपिस पेलिटा जिसको पटवा भी बोलते हैं ये अभी न्यूज में है हाल ही में खबरों में रहा मीजोट्रोपिस पेलिटा पटवा क्या चीज है ये ये क्या है जय श्री महाकाल बेटा ठीक है ये क्या है ये है एक प्लांट ये एक प्लांट है मतलब एक पौधा है ठीक है ये एक पौधा है एक पौधा है ना यहाँ यहाँ मैं पौधा लिख देती हूँ देखो इस पौधे की क्या खासियत है पता है इस पौधे की खासियत है कि ये दवाई में बहुत ज्यादा उपयोग में आ सकता है मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं ना मेडिसिनल प्लांट मतलब जो दवाइयों के लिए उपयोग में आता है जैसे नीम नीम का नीम के जो पत्ते हैं नीम के जो पत्ते हैं फिर नीम जो है वो बहुत ज्यादा दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है है ना यूज किया जाता है ठीक है <coughs> उसी तरह से ये जो पौधा है ना मिजोट्रोपिस फेलिटा पटवा ये पौधा भी मेडिसिनल प्लांट है अच्छा ये भी खबरों में क्यों है क्योंकि आईयूसीएन 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 जो है आईयूसीएन ने अपनी लिस्ट में इस पौधे को क्रिटिकली इंजर्ड कहा क्रिटिकली इनडेंजर्ड कहा है ठीक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होते हैं जो कभी भी लुप्त तो हो सकते हैं ठीक है आईयूसीएन की लिस्ट में क्या कहा गया है कि ये पौधे लुप्त होने की कगार पर है क्वेश्चन तो पूछा जाए कि ये क्या है ना कई बार पूछा जाता है ना ये नाम दे दिया जाता है फिर पूछा जाता है कि ये क्या है तो अब आप बता दोगे तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर पाया जाता है ये पौधा तो आप क्या बताओगे ये पाया जाता है उत्तराखंड में ठीक है कहाँ पाया जाता है उत्तराखंड उत्तराखंड में ये पौधा पाया जाता है और उत्तराखंड में ये पौधा एंडेमिक है एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं ज्यादातर पाया जाता है भारत के और दूसरे भारत के और दूसरे स्टेट्स में इलाकों में ये पौधा नहीं पाया जाता सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है एंडेमिक है ना एंडेमिक एंडेमिक ठीक है तो याद रखोगे ये क्या है पटवा जो है ये क्या है ये एक मेडिसिनल प्लांट है है ना? चलो हाँ उत्तराखंड में पाया जाता है बेटा अगला देखो क्या है कोची मुजीरीज बाइनियल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट भाई कोची मुजीरीज द्विवार्षिकी का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा भाई ये क्या है ये क्या है कोची मुजीरीज ये बाइनियल्स ये क्या है देखो ये आपको फोटो दिख रही है इसमें आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो लोग पेंटिंग देख रहे हैं जो लोग पेंटिंग देख रहे हैं खड़े होके है ना तो ये जो है ना हाँ ऑप्शन नंबर गलत है बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा को कोची लिखा है तो कोची कहाँ है कोची कहाँ है कोचिन कोचिन सुना है कोचिन कोचिन कोची घूमने जाते ना बहुत लोग बहुत लोग घूमने जाते हैं बहुत अच्छी जगह है वो है ना बहुत अच्छी जगह है है ना केरला में है कोची समझे कहा है केरला में कोची है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है टूरिस्ट प्लेस और ये जो बाइनियल ऑर्गेनाइज किया गया है ना ये क्या है पता है ये एक आर्ट फेस्टिवल है जिसमें पेंटिंग्स मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां पेंटिंग्स ये सारी चीजों का एग्जीबिशन जैसा होता है ये कि लोग जाकर इसको देख सकते हैं है ना तो कह रहा अच्छा तुमको पता है क्या केरल में जो केला है ना केला फिर नारियल का तेल केला केला बहुत ज्यादा वहां पर पाया जाता है और खाया भी जाता है है ना और नारियल का तेल जो है ना नारियल के तेल से खाना भी बनाया जाता है वहां नारियल का नारियल बहुत ज्यादा वहां पर मिलता है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कोकोनट का उत्पादन है है वहां पर ठीक और इसी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा है प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है क्योंकि वहां पर पेड़ों में जो है कोकोनट बहुत ज्यादा लगते हैं समझे सिंपल सी बात है उत्पादन ज्यादा का मतलब क्या होता है ना ठीक है तो कोकोनट के तेल से भाई हम लोग जैसे रिफाइंड ऑयल से खाना बनाते हैं सरसों के तेल से खाना बनाते हैं ठीक है वहां पर आप जाओगे अगर घूमने टूरिस्ट की तरह अगर आप घूमने जाओगे जगह बहुत खूबसूरत है वो ठीक है घूमने जाओगे ना तो होटल्स में भी आपको ज्यादातर नारियल के तेल से बना हुआ खाना मिलेगा समझे ऐसा है भाई ऐसा है अच्छा केरला की कैपिटल क्या है केरला की कैपिटल क्या है तिरुवनंतपुरम है हाँ नारियल काजू गरम मसाले और आपको पता है वहां पर मसाले बहुत पाए जाते हैं आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी हिस्ट्री तो पढ़ी ही हो होगी है ना हिस्ट्री तो पढ़ी होगी थैंक यू अः भाई थैंक यू ठीक है आपने हिस्ट्री तो पढ़ी ही हो होगी तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज होते थे हमारे भारत में जब अंग्रेज चले आए थे भारत में तो वो लोग क्या करते थे ट्रेडिंग करते थे भाई वहाँ से केरल साइड से वो लोग मसाले अपने वहाँ लेके जाते थे मसाले जो है ना मसाले बहुत मिलते हैं वहाँ ब्लैक पेपर वगैरह ठीक है काली मिर्च वगैरह मतलब तरह तरह के मसाले केरल में मिलते हैं और वो मसाले वो लोग क्या करते थे लेके अपने ब्रिटेन में चले जाते थे बहुत मसालों का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वहां से हुआ करता था ठीक है 1498 में केरल आया जेमोरिन हाँ बिल्कुल सही आपकी क्लास खाना बनाते टाइम लेता हूँ वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल में दो तीन लेक्स हैं कौन कौन से लेक्स हैं वेम्बनाद लेक कितनी बार बताया मैंने ना वेम्बनाद 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 लेक सष्टम कोट्टा सष्टम सष्टम कोट्टा लेक है ना ये सारे लेख जो है ना ये केरला में है यहाँ पर एक रेस होता है स्नेक बोट रेस ये भी मैंने बताया हुआ है स्नेक बोट रेस अच्छा अभी अभी हुआ है पता है ये रेस अभी अभी हुआ भी, हुआ भी है ये रेस इसीलिए आप लोग ने इसको याद रखना स्नेक इस, बोट रेस कहाँ पर होता है ये याद रखना ठीक है अच्छा केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है पिनराई विजयन है केरला में अभी एक फार्म एक फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया ठीक है बोला गया है इस फार्म में इस खेत में जो है कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हुआ है साइलेंट वैली भी के, केरल में है पेरियार झील गुड बेटा गुड पेरियार झील भी केरल में है चलो तो याद रखना कोची मुजिरल ठीक है कहाँ पर हुआ है अगला देखो क्या है, है? भाई किन देशों ने संयुक्त रूप से Just transition Initiative की की घोषणा tra का, मतलब का मतलब होता है एक बार में किसी चीज की तरफ मुड़ जाना ट्रांजिशन मतलब चेंजेस चेंजेस है ना बदलाव ट्रांजिशन का मतलब बदलाव होता है तो ये जो Uh, संयुक्त रूप से जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव लाया लाया गया है है किसके द्वारा गया? इसमें भारत का है। भारत का बेटा कोई रोल नहीं का ऑप्शन आएगा बिल्कुल गलत लगाओगे क्योंकि ये साउथ अफ्रीका और केनिया साउथ अफ्रीका और केनिया द्वारा इस बारे में बात की गई है है ना क्या बोला गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होता है ना प्लास्टिक से प्लास्टिक का प्लास्टिक का जो प्रदूषण होता है प्लास्टिक प्रदूषण जो होता है उसको पूरी तरह से कम करने के लिए ये जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है वो लाया गया साउथ अफ्रीका और केन्या के द्वारा देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे दुनिया को बहुत ज्यादा खतरा देता है मतलब कैसे अगर कोई जानवर भी कहीं जा रहा है मान लो जो गाय भैंस आपने देखा है क्या गाय भैंस क्या करती है कई बार प्लास्टिक भी खा जाती है प्लास्टिक खा जाती है और वो उनके पेट में चला जाता है और कुछ समय बाद पेट उनका जो है वो फूलने लगता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है कई सारे ऐसे जानवर है जिनके पेट में प्लास्टिक चला जाता है आप लोगों ने अगर देखा होगा जो नैनो

बॉडी में है नाक को ब्लॉक कर देता है आंख को ब्लॉक कर देता है जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है पता है तो नैनो प्लास्टिक भी बहुत बेकार चीज है अच्छा कुछ हाँ है ना वही थी ना डेथ हाँ होता है वही होता है ठीक है चलो है ना तो भारत में कुछ एम एम का जो प्लास्टिक है वो बैन किया गया है ठीक है अलग अलग एम एम के प्लास्टिक होते हैं मोटाई में अलग अलग एम एम के प्लास्टिक होते हैं तो कुछ एम एम के प्लास्टिक भारत में बैन किए गए हैं है ना तो अगर आप अभी जाओगे देखना प्लास्टिक का थैला आपको नहीं दिया जाता प्लास्टिक बैग आपको नहीं दिया जाता कपड़े का बैग दिया जाता है बहुत सही चीज़ है इस इस ट्रांजिशन में एक इस ट्रांजिशन इनिशिएटिव में एक और बात की गई है पता है आप लोग देखिए जो कूड़ा बीनते हैं जो कूड़ा नहीं बीनते हैं जो लड़के लड़के लड़कियां जो कूड़ा बीनते हैं वो लोग क्या करते हैं

चलो ये सब बातें यहाँ पर हुई है तो याद रखना जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है प्लास्टिक पॉल्यूशन को बैन करने प्लास्टिक को बैन करने के लिए और प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए है ना लेके जाते है ना हमारे यहाँ से भी लेके जाते हैं क्या करते हैं इन बोतलों से इन बोतलों को वो बेच देते हैं बेटा इन बोतलों को वो बेच देते हैं उनको पैसे मिलते हैं इसके पता है इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं है ना अच्छा अगर मैं साउथ अफ्रीका और केन्या की बात करूं केनिया की कैपिटल क्या है केन्या की कैपिटल नायरो है ठीक है केनिया केनिया की कैपिटल क्या है नैरोबी है नैरोबी में नैरोबी में यूएनईपी यूएनईपी ई पी यू का हेडक्वाटर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वाटर है केनिया, तंजानिया और युगांडा। देखो यहाँ देखो केनिया ठीक है केनिया युगांडा यहाँ ध्यान से देखना एक चीज बता रही हूं और तंजानिया 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 इन तीनों के इन तीनों के बीच में एक लेक है जिसको लेक विक्टोरिया कहते हैं लेक विक्टोरिया ठीक है ऐसा बोला जाता है कि लेक विक्टोरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय झील है ट्रॉपिकल झील दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन अगर फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील की बात करूं तो लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और दूसरे नंबर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया अब लेक विक्टोरिया कोई पूछेगा तो बोल देना कि ये तीन देशों में फैला हुआ है केनिया तंजानिया और युगांडा ठीक है यहां पर एक और नाम है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है बेटा जहां पर टोल स्टॉय फार्म है क्या है साउथ अफ्रीका में पता है ये गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था ये फार्म गांधी जी जब वहां पर रह रहे थे ना साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी क्रांति लाई थी आप लोगों को पता होगा जो भारतीय वहां रहते थे उनके लिए काफी काम किया था सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट है बिल्कुल है बेटा ठीक है तो गांधी जी ने वहां पर एक फार्म स्टेब्लिश किया था एक आश्रम की तरह था जिसका नाम टोल स्टॉय फार्म है टोल स्टॉय टोल स्टॉय फार्म ठीक है ये गांधी गांधी जी द्वारा ये वहां पर साउथ अफ्रीका में बनाया गया था अफ्रीका में किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा भाई याद रखना ये ये याद रखना ये टोल स्टॉय फार्म पूछ लिया जाता है ठीक है अगला देखो क्या है हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई इनकी फोटो दिख रही है आपको मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो बच्चे अभी अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना ग्रेजुएशन कर कर रहे हैं तीन साल का जो कर रहे हैं वो तो ठीक है जो बच्चे ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ अब जो ग्रेजुएशन है वो आपका चार साल का हो जाएगा चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो जाएगा ग्रेजुएशन कोर्स है ना चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो जाएगा जिसमें आपको एक फायदा क्या मिलेगा पता है मैम मेरा फाइनल है हाँ मतलब ठीक है कोई बात नहीं तीन साल वालों को देखो हमने भी तीन साल का ही ग्रेजुएशन किया था चलो वो तो ठीक है यूजीसी जो है ना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को फंड वगैरह प्रोवाइड करती है उनके लिए पॉलिसी बनाती है है ना तो चार साल का ग्रेजुएशन अब होने वाला है लागू इसमें क्या होगा कि आपको अगर पीएचडी करना है ना पी करना है तो आपको अब मास्टर्स करने की जरूरत नहीं

मौका मिलेगा चार साल के ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो आप डायरेक्ट पीएचडी पीएचडी एक ऐसा एक ऐसा कोर्स होता है जिसके बाद आप इतने विद्वान हो जाते हो कि डॉक्टर की तरह हो जाते हो आप किताबें लिख सकते हो किताबें लिख सकते हो ठीक है और इसीलिए डॉक्टर डॉक्टरेट लग जाता है आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाता है समझ गए चलो तो चलो इनका नाम क्या है इनका नाम है मामी दाला जगदीश कुमार एम जगदीश कुमार एम जगदीश और इनका नाम है ठीक है मैम ये करके डायरेक्ट सीटी एग्जाम बेटा ये करके आप डायरेक्ट <coughs> ऐसे कोर्सेज कर सकते हो जिनमें मास्टर्स की डिग्री के बिना पहले नहीं कर सकते थे ऐसे कोर्सेज जो मास्टर्स की डिग्री के बिना पहले नहीं कर सकते थे वो आप चार साल का जो ग्रेजुएशन है वो करने के बाद डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है याद है याद रहेगा ये चलो है ना चलो देखो शांति स्वरूप भटनागर ये यूजीसी UG, के चेयरमैन है ठीक है इनका नाम क्या है, है। यहाँ पर एक और बात है शांति स्वरूप भटनागर शांति स्वरूप भटनागर जो है वो फर्स्ट यूजीसी चेयरमैन फर्स्ट यूजीसी चेयरमैन कौन है भाई कौन थे भाई वो थे शांति स्वरूप भटनागर ये याद रखना फर्स्ट थे फर्स्ट ठीक है फर्स्ट थे चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस भाई अहमदाबाद में ये स्वामी आ, स्वामी स्वरूप स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ठीक है कहा किया जा रहा है कहा किया जा रहा है अगर आपसे पूछे तो अहमदाबाद में किया जा रहा है अहमदाबाद कहाँ पर है गुजरात में है गुजरात में है कोई गुजरात का बच्चा है क्या यहाँ पर गुजरात का अगर कोई बच्चा है तो उसको पता होगा कि अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बनाई गई है है ना हाँ अहमदाबाद ठीक है वो टप्पू के पापा और दया वाला अहमदाबाद है ये है ना टप्पू के पापा और दया वाला अहमदाबाद ठीक है चलो गुजरात अहमदाबाद में ये जो महोत्सव है ये मनाया जा रहा है अच्छा अहमदाबाद में हाँ बिल्कुल गिफ्ट सिटी वही मैं बताने जा रही थी गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी भाई अगर आपसे पूछा जाए तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है ये अहमदाबाद में बनाया गया है गिफ्ट सिटी है ना यहाँ इस गिफ्ट सिटी में फॉरेन से रिलेटेड जो काम काज होते हैं कंपनीज के ऐसी कंपनीज ऐसी कंपनीज है ना जहां पर जिन कंपनीज द्वारा फॉरेन के जो काम काज है वो हैंडल किए जाते हैं कई तरह के वो सारी कंपनीज इस गिफ्ट सिटी में है ठीक है सारी कंपनीज इस गिफ्ट सिटी में है चलो ठीक है अगला देखो क्या है

तो इनका नाम है सुनील है ना इनका नाम है सुनील ठीक है अब मुझे ये बताओ ये जो है ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिल्कुल पूछा जा सकता है उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो पूछा जा सकता है तो इसका हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय मैं बता देती हूं ठीक है इसका मुख्यालय कहां पर है भाई इसका मुख्यालय है कुआला लुमपुर में कुआला कुआला लुमपुर कुआला लुमपुर कहाँ पर है कुआला लमपुर है मलेशिया में मलेशिया का कैपिटल है कुआला लुमपुर है ना मलेशिया का कैपिटल है कुआला लुमपुर और कुआला हाँ बिल्कुल सही बेटा और कुआला लुमपुर में एक और हेड है, क्वार्टर है किसका हेड क्वार्टर है भाई एक और हेड क्वार्टर है ठीक है ये है वर्ल्ड वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ठीक है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का क्या काम होता है विश्व लेवल पर बैडमिंटन का आयोजन करवाना है ना कैसे नाम है मेम सिटी के नाम तो बेटा मतलब गिफ्ट सिटी उस एरिया का नाम रखा गया है जहाँ पर ये कंपनीज है ठीक है चलो है ना वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है कुआला लुमपुर कुआला कुआलापुर भाई कुआला लुमपुर मलेशिया की कैपिटल है ये याद रखोगे ठीक है है ये ये याद रखोगे भाई, है ना, ये याद रखोगे रखोगे भाई ना अच्छा जगदीप धनखड़ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़े और यहाँ पर राजीव कुमार जी का नाम लिखा यह मैंने कई बार बताया आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक है अगला देखो हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी सीबीआई न्यूज में है क्योंकि इन, इन्होंने अपने एक्ट का अपने एक्ट का साठवां वर्षगांठ मनाया है साठवा सिक्सटीथ वर्षगांठ जो है इन्होंने मनाया है एक अपने एक्ट का ठीक है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है उनका नाम है विवेक जोहरी विवेक जोहरी भाई इनका नाम है बिल्कुल हाँ विवेक जोहरी इनका नाम है और इसका काम क्या होता है जीएसटी टैक्स जीएसटी जीएसटी पता है ना जीएसटी पता है ना वो इसी के अंडर आता है इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे सबको मिलाकर 2016 में जीएसटी का रूप दे दिया गया थीक? ठीक है जो कस्टम टैक्स वगैरह लगता है कस्टम टैक्स किसमें लगता है आवाजाही में कस्टम टैक्स लगता है ना कस्टम टैक्स वगैरह जो लगता है है ना जा हाँ, जा सकते हो बेटा, जा सकते हो हो बेटा वो जो जो इनकम टैक्स वाला आपका वैकेंसी निकलता है ना बिल्कुल सीजीएल के थ्रू आप जा सकते हो ठीक है देखो जीएसटी टैक्स कलेक्शन वगैरह इनका काम होता है ठीक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना चलो टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन इनका काम होता है है ना तो सी बी आई सी अब याद रखना भाई सी बी आई सी सिक्सटीत सिक्सटीत मनाया गया है वर्षगा ठीक है आ, चलो यहाँ पर दूसरे नाम भी अजय सेठ अजय सेठ अजय सेठ नाम के क्यों है अजय सेठ हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है और माइकल पैट्रा कौन है माइकल पैट्रा हमारे आरबीआई के आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के डेप्यूटी भाई गवर्नर तो सबको पता होता है गवर्नर का नाम सबको पता होता है लेकिन डेप्यूटी गवर्नर नहीं पता होता डेप्यूटी गवर्नर जो है वो हमारे कौन है माइकल पैट्रा है आरबीआई के है ना हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है Which country will organise international standing with the Ukrainian Ukrainian pupil conference कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े होने के सम्मेलन का आयोजन करेगा कौन करेगा माय ड्रीम एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो बेटा बिल्कुल बन सकते हो ठीक है चलो है ना चलो देखो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस भाई फ्रांस फ्रांस ने अभी, अभी क्या आयोजित किया है यूक्रेन के लोगों को आपको पता है ना यूक्रेन पर रशिया ने इन्ट कर दिया है यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़े लेवल पर जो है वो घमासान मतलब लड़ाई चल रही है ना कभी यूक्रेन रशिया की तरफ मिसाइल फेंक रहा है कभी रशिया यूक्रेन की तरफ मिसाइल फेंक रहा है कई सारे एरियाज इनके कब्जे में हो चुके हैं एक दूसरे के है ना <coughs> तो यूरोपीय यूनियन ने कुछ समय पहले बोला था ना संघ के जितने भी देश हैं उन्होंने कुछ समय पहले बड़े लेवल पर आ, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के उनकी मदद करने की बात करी थी एक उन्होंने मीटिंग करी थी यूरोपियन यूनियन ने और बोला था भाई कि हम उनकी मदद करेंगे और फ्रांस जो है वो यूरोपीय देश है

के समय में जो युद्ध होते थे ना उस समय पे लोग जो है जो युद्ध में भाग लेते थे जो सेना होती थी वो अपना खाना पीना कपड़ा रहने का सामान टेंट वगैरह सब लेके जाते थे युद्ध स्थल में कि भाई इतने से इतने से टाइम तक हमको हमको लड़ाई करनी है उसके बाद हमको वापस आके सोना वोना है खाना पीना खाना है मतलब इंटरवल ले लेके लड़ाई होती थी ऐसा नहीं कि गए और मार दिए चले आए ऐसा नहीं होता था ठीक है तो फ्रांस जो है यु, वो यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े होने के लिए एक सम्मेलन कर रहा है ठीक है जिसमें जिसमें यूक्रेनियन को वो सपोर्ट कर रहा है फ्रांस अच्छा तो यहाँ पर यूक्रेनियन लोगों को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब इंसानों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया खाने पीने की भी किल्लत किसी किसी जगह में आ गई है यूक्रेन की कैपिटल कीव है फ्रांस की क्या है पेरिस फ्रांस की कैपिटल पेरिस है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है यूनेस्को 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 का UNESCO का कहाँ पर है फ्रांस में है ठीक है चलो अगला देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भाई तुम लोग इनकी फोटो देखो इनकी फोटो देखो रशिया तो बहुत बड़ा है एक दिन में क्यों नहीं उड़ा देता यूक्रेन को बेटा ऐसा नहीं बोलते ऐसे नहीं ऐसे नहीं बोल सकते देखो यूक्रेन की क्या गलती है यूक्रेन की कोई गलती थोड़ी है इसमें देखो जब कोई देश अपना विस्तार करने की कोशिश बट यहाँ पर रशिया ना अपने देश का विस्तार करने की कोशिश नहीं कर रहा है पता है यहां पर बात यह है कि यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने की बात कर ली थी और रशिया को खतरा महसूस होने लगा क्योंकि नाटो की पॉलिसी मैंने आपको बताई थी कि, कि किसी एक नाटो के मेंबर के किसी एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो सारे तीस के तीस देश मिलकर मारते हैं उस देश को है ना तो रशिया और यूक्रेन बिल्कुल लगा हुआ है ना बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ और रशिया अगर रशिया अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता तो सॉरी यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता जो कि करने वाला था यूक्रेन है ना तो रशिया को खतरा हो जाता क्योंकि यहां पर युद्ध हो रहा है रशिया इतना बड़ा है वो माफ भी तो कर सकता है यूक्रेन को हा बिल्कुल बिल्कुल और इसी, इसी बात के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बात करी है कि रशिया और यूक्रेन को आपस में

यूक्रेन अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है इसलिए रशिया उसको हाँ बेटा अमेरिका का सपोर्ट अमेरिका भी यूक्रेन का, का सपोर्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल तो ज़्यादातर देश यूक्रेन के सपोर्ट में है अब देखो क्या होता है ना देखो क्या होता है देखते हैं चलो ठीक है तो यहाँ पर नाम क्या देखो हिसेन ब्राह्मी तहा तुमको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऐसे ऐसे देशों का एक समूह है ऐसे देशों का एक समूह है जिसमें इस्लामिक देश है बहुत सारे इस्लामिक देशों का एक समूह है इनका नाम क्यों आया भाई ये फोटो देख लो अच्छे से अब मैं बताती हूँ तुमको एक बात इंटरनेशनल लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं ये जो पर्सन है इनका नाम हिसेन ब्राह्मी तहा है ये पर्सन अभी कहा चले गए पता है पीओके चले गए पीओके पीओके जान रहे हो जम्मू कश्मीर वाला पीओके वाला एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का वहां पर जो पीओके और भारत है ना पीओके वाला जो एरिया ना पीओके कश्मीर का पीओके हमारा और ये जो भारत मतलब अंदर वाला हमारा जो एरिया जम्मू कश्मीर के अंदर वाला एरिया पीओके और जम्मू कश्मीर के अंदर वाला जो एरिया है उसके बीच में एक लाइन है उसके बीच में एक लाइन है ये पाकिस्तान ने हमारी जो जगह है ये छीन ली थी है ना हम इसको लेने के अभी फिराक में है समझ गए तो ये जो लाइन है इसको एलओसी कहा जाता है एलओसी लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है ना पीओके क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा जो कश्मीर है ना कश्मीर उसका कुछ हिस्सा आप लोगों ने बजरंगी भाईजान देखा उसमें वो बोलता है ना कि कुछ हिस्सा हमारे पास भी है बोलता है ना वो

चले गए और जाकर इन्होंने क्या बोला जाकर इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला भाई पाकिस्तान को बोला कि पीओके में मैं आया हूं मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत बहुत जल्दी कश्मीर को लेकर अपना जो प्रॉब्लम है वो सुलझाएं भाई भारत ने पहले ही बोल रखा है भारत ने पहले ही बोल रखा है कि भाई कश्मीर को लेकर दूसरा कोई भी देश भारत और पाकिस्तान के बीच बात नहीं करेगा लेकिन ये पर्सन वहाँ चले गए पीओके में जाके बोल दिया इन्होंने कि भाई हम मदद करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक सहयोग संगठन है ना बोल रहे हैं इस्लामिक सहयोग संगठन जो है हम चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं हम मदद करेंगे हम मदद करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मैटर कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की भाई क्या जरूरत है मदद की हमको मदद चाहिए ही नहीं हमको जब मदद तुम्हारी चाहिए ही नहीं तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो जबरदस्ती की है ना तो इस बात को लेकर भाई बहुत बहुत बयान आए हैं बहुत बयान आए हैं ठीक है थीके? हमारी तरफ से भी आए कश्मीर की तरफ से भी आए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या हमारे कश्मीर की बात ना ही करे कोई तो वो अच्छा है ये दो देशों का मैटर है वो दो देश सुलझा लेंगे ये पर्सन वहां पहुंच गए अब इनका नाम याद रखोगे मैम पहले मुझे सबसे टफ करेंट अफेयर लगता था पर अब सब सबसे ईजी लगता है आपसे पढ़ने के बाद थैंक्स मैम फॉर अमेजिंग टीचिंग मोस्ट वेलकम बेटा मोस्ट वेलकम वही तो मेरा काम है आप लोगों को ईजिली समझाना समझ गए तो इनका ये मैटर है ये मैटर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर बताओ मेरे को हेडक्वार्टर वेयर इज द न्यू स्पीशीज़ ऑफ सॉन्ग बर्ड रेन बैबलर फाउंड रिसेंटली भाई अभी अरुणाचल प्रदेश <coughs> अरुणाचल प्रदेश में ये पक्षी देखने को मिली है ये जो पक्षी है ना ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है इसका नाम है रेन रेन एक प्रजाति है पक्षी की जिसकी एक दूसरी नस्ल देखने को मिली है वहां पर है ना एमसीक्यू ही तो है बेटा एमसीक्यू इसी को बोलते हैं ठीक है चलो है ना तो ये प्रजाति देखने को मिली है और ये जो प्रजाति है ये पता कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है म्यांमार में म्यांमार म्यांमार में पाई जाती है थाईलैंड 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 में पाई जाती है है ना थाईलैंड में पाई जाती है और कई सालों बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है है ना सोंग बर्ड बोला जाता है इसको सोंग बर्ड सोंग बर्ड गाने वाली चिड़िया गाने वाली चिड़िया कश्मीर हमारा है और इसे लेकर रहेगा अरे वाह क्या बात क्या बात चलो ठीक है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ईटानगर ईटा नगर, ईटा नगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क है कई सारे नेशनल पार्क है कई सारे दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर दो देशों से लगती है कौन कौन से देशों से लगती है भाई लगती है म्यांमार से म्यांमार से लगती है और चीन से लगती है इन दो देशों से अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो लगती है समझ गए चीन जो है ना चीन वो तिब्बत के थ्रू हमारे अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हथिया चुका था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो मकसद है वो कामयाब नहीं हो पाया कामयाब नहीं हो पाया समझ गए जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे ना तो चीन घुस गया था अरुणाचल प्रदेश की साइड से ची, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उन्होंने दिया था कि भाई हम तो भाई भाई हैं तो हमको बॉर्डर में सेना की क्या जरूरत है ध्यान से सुनो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई है तो हमको बॉर्डर में ज्यादा सेना की क्या जरूरत है उन्होंने भरोसा किया उन्होंने चीन पर भरोसा किया और वहां से कई सारे सेना को वापस बुला

और हमारी तैयारी नहीं थी हमारी भाई हमने सेना इधर उधर कर दी ना पूरी थोड़ी सेना वहां पर थी और हमारे पास वैसा कोई वहां पर पहुंचने का बॉर्डर के पास वहां पर आप जाओगे ना अरुणाचल प्रदेश के चीन और इंडिया के बॉर्डर में तो भाई काफी ऊंची जगह है वो वहां तक हमारा जो सामान है वो भी हम ले जाने में हमको टाइम लग जाता तो काफी बड़ी यहाँ पर लड़ाई हो गई थी काफी बड़ी लड़ाई हो गई थी चीन पूरी तरह से भारत में कब्जा करने की फिराक में था उस टाइम पर ठीक है चलो अच्छा पंचशील एग्रीमेंट जानते हो क्या पंचशील एग्रीमेंट पंचशील एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था पंचशील एग्रीमेंट ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है? इंडिया अंडर 18 गर्ल्स टीम वोन विच मेडल इन एशिया रग्बी सेवन चैंपियनशिप भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो सिल्वर पदक जीता है सिल्वर पदक जीता है अच्छा रग्बी क्या होता है एक ऐसा बॉल होता है देखा है क्या ऐसा ऐसा बॉल है ना ऐसा टाइप का बॉल होता है ये वाला ऐसा बॉल होता है इस बॉल के साथ इस बॉल को हाथ में रख के दौड़ते हैं इस बॉल को हाथ में रख के दौड़ते हैं है ना और ये गेम खेलते हैं ठीक है अच्छा रग्बी में रग्बी जो गेम है रग्बी में कितने मेंबर होते हैं पंद्रह खिलाड़ी पंद्रह खिलाड़ी होते हैं पंद्रह खिलाड़ी होते हैं एक टीम में एक टीम में पंद्रह खिलाड़ी होते मतलब दो टीम में कितने खिलाड़ी हो गए तीस खिलाड़ी हो गए भाई ये पूछा हुआ सवाल है पूछा हुआ सवाल समझे ये सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों है है तो को पता है क्या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट में तो खैर सभी को पता तो नहीं पूछा जाता क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं बैडमिंटन में, है, में, है, में कितने होते हैं वॉलीबॉल में कितने होते हैं रग्बी में कितने प्लेयर खेलते हैं इसीलिए ये वाला जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है ये मिसलेनियस का ये स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो है ना ये दिया भी हुआ लूसेंट पढ़ना लूसेंट पढ़ना लूसेंट में दिया हुआ है कौन से स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी होते हैं तो रग्बी में पंद्रह खिलाड़ी होते हैं हाथ में बॉल को लेकर दौड़ते तो अंडर एटीन लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है बेटा है ना हाँ, तीस टोटल होते हैं पंद्रह तीस अगला देखो राशिद रोवर इज रिलेटेड टू बीच कंट्री अभी हाल ही में यूए ने यूए ने अपना खुद का एक रोवर लॉन्च किया है ठीक है इसका नाम है राशिद रोवर इसको याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पहली बार हुआ है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन देखो नेशनल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भैया तारीख तारीख को मनाया जाता है। जो यूज करते हैं ऊर्जा ऊर्जा हैं। मतलब क्या होता है? भाई हवा, पानी, फिर जो भी है जो भी है बिजली वगैरह बनाते हैं कई कामों में ऊर्जा के रूप में वो यूज में होते इसीलिए हम लोग ये दिन मनाते हैं ताकि हम जो अपनी एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखें और अब क्या हो रहा है कि भाई भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने जा रहा है हाँ कल था बेटा 14 तारीख 14 तारीख 14 दिसंबर है ना तो कल था ठीक है तो भारत अब 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने जा रहा है मतलब जो भारत में जो अब एनर्जी यूज करी जाएगी भारत में जो एनर्जी यूज करी जाएगी वो ज्यादातर नॉन फॉजिल एनर्जी होगी नॉन फॉजिल मतलब जो जीवाश्म से संबंधित नहीं होगी जैसे ऑयल हो गया नेचुरल गैस हो गया फिर उसके बाद कोयला हो गया इन चीजों से अभी एनर्जी का वो होता है है ना फैक्ट्री वगैरह में यही यूज करा जाता है ज़्यादातर ज़्यादातर लेकिन अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन इनसे पता है क्या हो रहा है कार्बन का भी उत्सर्जन हो रहा है और कोयला वगैरह खत्म भी होता जा रहा है दुनिया में शॉर्टेज होती जा रही है बीच में भारत के भारत के अंदर जो है पता है आप लोगों को कोयले की इतनी कमी हो गई थी कि बोला जा रहा था कि भाई अब बिजली कटौती हो जाएगी पूरे भारत में कई दिनों तक बिजली ही नहीं रहेगी भारत में फिर बाद में सरकार ने ये साफ किया कि नहीं भाई अभी है हमारे पास अभी कुछ दिन तो चल जाएगा रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था ना तब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई थी कोयले के ऑयल ने, ने, के नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई थी अभी भी ये प्रॉब्लम है लेकिन अब थोड़ी कम है उस टाइम पे क्या होता है भारत के कोयले का भारत में कोयले का शॉर्टेज हो गया था ठीक है मैम योर टीचिंग स्टाइल इज फेब्युलस थैंक यू और क्या कह रहे हो मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो एक क्वेश्चन के साथ बहुत क्वेश्चन बता देते हो हाँ बेटा मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगी एक टिक लगाऊंगी क्वेश्चन गायब ना तुमको ज्यादा नॉलेज मिलेगा ना कुछ होगा और मान लो वो क्वेश्चन आया ही नहीं तो वो क्वेश्चन आया ही नहीं तो क्या करोगे है ना इसीलिए मैं एक के साथ बहुत चीजें बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को बहुत बहुत सारी नॉलेज रहे ठीक है चलो देखो व्हाट इज द एम ऑफ सेटिंग ऑफ गोकुल ग्राम भाई गोकुल ग्राम गोकुल ग्राम एक स्कीम uh, है एक स्कीम है ठीक है एक स्कीम है जिसमें जिसमें गोकुल ग्राम सेटल किया जा रहे गोकुल ग्राम क्या होता है गोकुल ग्राम क्या होता है है ना हमारे कृष्ण कन्हैया से आपको गोकुल याद आता है क्या कृष्ण कन्हैया से गोकुल याद आता है आप लोगों को तो गोकुल अच्छा कृष्ण भगवान के फेवरेट जानवर तो खूब सारे थे लेकिन खास कर वो गाय के साथ बहुत रहते थे है ना गाना भी है एक है ना छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गर्ल्स सुना है ना है ना छोटो मेरो मदन गोपाल तो वो गाय के साथ बहुत रहते थे वो गाय बहुत पसंद करते थे है ना तो देखो बोवाइन ब्रीड्स को बोवाइन ब्रीड मतलब ऐसे जानवर जो कैटल ऐसे पशु जैसे गाय हो गया भैंस हो गया है ना सांड हो गया इनको बोवाइन कहा जाता है इनको इकट्ठे अगर आप बोलोगे तो बोवाइन कहा जाता है और ये बोवाइन ब्रीड्स को और ज्यादा अच्छा बनाने में है ना गाय देखो लिख देती हूं मैं गाय है ना भैंस गाय भैंस ठीक है सांड ठीक है है ना इनकी जो ब्रीड है इनकी जो ब्रीड है इनकी जो नस्ल है इनको और अच्छा बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए ये जो गोकुल ग्राम है इसको सेटअप किया जा रहा है ठीक है क्योंकि कई सारी ऐसी गाय है जो बहुत अच्छा बहुत ज्यादा दूध देती है और कई गाय जो है वो बहुत कम दूध देती है ठीक है और भारत में मैं गाय लोगों की आपको ब्रीड बताऊ क्या गाय की गाय की नस्ल बताऊं गाय की नस्ल के नाम बताऊ एक नाम याद रखना साहिवाल साहीवाल नस्ल याद रखना साहिवाल हरियाणा में पाई जाती है हरियाणा हरियाणा में ये वाली जो नस्ल है ना ये बहुत बहुत दूध देती है ये वाली गाय अच्छा जर्सी गाय जर्सी गाय जो है ना है ना वो मैम आप तो मल्टी टैलेंटेड हो गाना भी गाती हूँ हाँ मैं गाना भी गाती हूँ लोरी भी गाती हूँ मैं बहुत कुछ गाती हूँ समझे ना तो देखो साहिवाल नस्ल जो है ये हरियाणा में पाई जाती है और ये जो नस्ल है ये बहुत ज्यादा दूध देती है ठीक है चलो ठीक है विच इज द ओल्डेस्ट जीपीएस सिग्नल सबसे पुराना अच्छा जर्सी गाय पता है आप लोगों को है ना जर्सी गाय पता है जर्सी गाय जो है वो फॉरेन की ब्रीड है फॉरेन की लेकिन भारत अब जर्सी गाय की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है भारत अब जर्सी गाय की तरफ ज्यादा क्यों बढ़ रहा है भाई क्योंकि भारत में जो नस्लें पाई जाती है वो नस्लें अभी ठीक से दूध नहीं दे रही कुछ ही नस्लें हैं वो जो ठीक से दूध दे रही हैं बाकी की नहीं दे रही हैं ठीक है, है? इसीलिए ये ये जो 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 इनिशिएटिव है 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 ना गोकुल ग्राम है, इसको अभी लॉन्च किया गया ताकि ब्रीड है, उनको और अच्छा बनाया जा सके बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम वेरी गुड यार वेरी गुड वेरी गुड है ना चलो हाँ वो भी ज्यादा दूध देती जर्सी गाय कैसी होती चितकबरी होती है व्हाइट एंड ब्लैक धब्बे होते हैं उसके शरीर में जर्सी गाय बहुत दूध देती है वो विच इज द ओल्डेस्ट जीपीएस सिग्नल भाई ये बताओ जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है क्या है ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग है ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये जीपीएस जीपीएस का फुल फॉर्म है GPS आप सभी के मोबाइल में है कई बार आप जीपीएस देखते देखते गड्ढे में गिर जाते हो क्या अभी मेरे साथ हाल ही में हुआ था जब मैं मुंबई गई थी अपनी बहन के साथ मुंबई में हमने एक कैब बुक किया और हमने बोला कि हमको फिल्म सिटी लेके चलो हम जा रहे थे वहां किसी से मिलने फिल्म सिटी में ठीक है फ्रेंड से मिलने जा रहे थे तो बोला फिल्म सिटी लेके चलो अब उसने लगाया जीपीएस जीपीएस से लोकेशन से देख देख के बुदले जा रहा था हमको भाई आगे जाकर देखते हैं कि तबेला है तबेला है और तबेले में हम घुस गए वो कैब ड्राइवर जो है वो इतना महान था देख रहा है सामने तबेला है वो तबेले में घुस गया अब लेके कैब लेके हम पहुंच गए तबेले में और हम बोल रहे हैं यहां कौन सी फिल्म सिटी है यार यहाँ गायब है क्या अब हम किसी और से जब पूछ रहे रहे हैं उसको कह थे भाई तू तो पूछ पूछ ले पूछ लो आप पूछ लो आप तो वो पूछ भी नहीं रहा है अब हमने पूछा एक पर्सन से कि भैया यहाँ पर हमको फिल्म सिटी जाना अरे मैडम ये फिल्म सिटी थोड़ी है गायब है इसका तबेला है ये तबेले में थोड़ी शूटिंग होती है हमने बोला यार ये तो हमको भी पता ये मान नहीं रहे अब

कोई रास्ता नहीं था गड्ढे में घुस गई गाड़ी समझ गया ऐसा होता है भाई इसीलिए जीपीएस चला के बिल्कुल अंधाधुंध ऐसे आग बंद करके गाड़ी मत चलाना है ना समझ गए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये यूएसए का है यूएसए द्वारा ये जीपीएस जो है 1970s के दशक में जीपीएस लॉन्च किया गया था जो कई सारे देशों में लोकेशन के लिए मदद करता है जीपीएस यूएसए का है इसमें करीब करीब 24 से 24 से 31 सैटेलाइट है 24 से 31 सैटेलाइट सैटेलाइट है जो अलग अलग देशों के ऊपर ऐसे फैले हुए हैं समझ गए है? 24 से 31 सैटेलाइट है पहले 32 थे 32 लेकिन अभी एक काम नहीं कर रहा तो 24 से 31 सैटेलाइट इसमें काम करते हैं भारत का जो सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम वो उसको क्या बोलते हैं उसको नाविक बोलते हैं नाविक ठीक है चलो अच्छा इसका आंसर तो पता है नहीं मैंने ये एलवन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना जीपीएस सिग्नल कौन सा है सबसे पुराना जीपीएस सिग्नल कौन सा है तो एल वन है ठीक है एल वन याद रखना है ना अगला देखो क्या है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अडॉप्टेड जन आंदोलन अगेंस्ट टीबी भाई टीबी होता है ना टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो कि जो कि बैक्टीरिया से होता है किससे होता है टीबी किससे होता है TV जो है वो जीवाणु से होता है जीवाणु जीवाणु ठीक है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी सुधर गई है मेरी हिंदी हिंदी सुधर गई है 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 पता है? मतलब हिंदी आती मुझे ऐसी बात नहीं हिंदी तो मुझे आती थी लेकिन जो कुछ ऐसे बायोलॉजी के वर्ड्स थे ना जो मुझे नहीं आते थे पता है है ठीक तो वो मेरा अच्छा हो गया और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ बेटा है ना बैक्टीरिया से होता है बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया भाई बैक्टीरिया का नाम पूछे तो माइको बैक्टीरियम माइको बैकटीरियम माइको बैक्टीरियम टूबर क्यूलोसिस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है है ना इससे टीबी रोग होता है जो फेफड़ों में घुस जाता है ये बैक्टीरिया और ये टीबी रोग कर देता है जिसमें मनुष्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है है ना? अच्छा एक बात बताओ भारत से टीबी को हटाने के लिए भारत से टीबी को खत्म करने के लिए कौन कौन सा साल रखा गया दो बोला क्या गया दो तक भारत से टीबी को खत्म कर दिया जाएगा तो मेघालय की सरकार ने अभी जन आंदोलन लॉन्च किया है जन आंदोलन लॉन्च किया था मेघालय की सरकार ने है ना किसके खिलाफ टीबी के खिलाफ खिला। अच्छा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है है ना मेघालय के चीफ मिनिस्टर को खांसी आने लगती है मैं तो खांसी आने लगती है बोल के तुम हंस क्यों रहे हो हंस क्यों रहे हो मुझे खांसी है तो क्या टीवी है क्या ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मुझे सर्दी हो गई है यार सर्दी खांसी सब हो गया मेरे को टीवी वाली नहीं है मुझे हंस रहे हो जो तुम ठीक है चलो है ना मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कोनराड संगमा कोनराड संगमा है ना चलो अगला देखो क्या है <coughs> uh, संस्करण हुआ, हुआ था चेक करवाओ चेक करवाया तो है मैंने चेक करवाया है तो डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी है और मेरी जो खांसी है वो ठीक भी हो गई थी अभी कुछ दिन पहले लेकिन हुआ क्या पता है हुआ क्या कि मेरे को सर्दी भी हो गई सर्दी होने के बाद जो मेरी खांसी है उसने फिर से वो फिर से जाग गया और दोनों मिलकर मेरी बैंड बजा रहे हैं अब फिर से समझ गया ऐसा हो गया मेरे साथ चलो ठीक है हैदराबाद स्ट्राइकर्स भाई हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने ये जो है ये जीत लिया है ये जीत लिया है ये जीत लिया है ठीक है जीत लिया है ये जीत लिया अभी याद रखना भाई इसको है ना अगला देखो क्या है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनोग्रेटेड द स्टेच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरती अब यहाँ पर आप लोग फसोगे इस क्वेश्चन में आप लोग फसोगे क्यों फसोगे पता है क्योंकि इसका इस इनकी मूर्ति का इनकी मूर्ति का अनावरण अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ध्यान से सुनो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अनावरण किया है एम के स्टैलिन ने किसने किया है एम के स्टेलिन ये कौन है यह है तमिलनाडु के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के सीएम है ठीक है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या किया है ये कि इन्होंने इनकी जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है इनके घर के पास इनका घर वाराणसी में है ना वाराणसी उत्तर प्रदेश में है आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे इसमें से दो सवाल बन रहे हैं एक तो ये कि उन इनकी मूर्ति का उद्घाटन किस जगह किया गया है तो किस जगह पूछेगा तो वाराणसी बोलोगे वाराणसी वाराणसी में किया गया है ठीक है अगर पूछेगा कौन से राज्य के द्वारा किया गया है तो बोलोगे तमिलनाडु के द्वारा तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु द्वारा किया गया है समझ गए यहां से दो सवाल आपके बन गए हैं समझ गए हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने किया चलो वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन लोकेटेड भाई आई ओ एस सी ओ प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये मैड्रिड में स्थित है मैड्रिड क्या है स्पेन की कैपिटल है स्पेन की कैपिटल माद्रिड है मैड्रिड है मैड्रिड अच्छा एक गाना आया था अभी कुछ समय पहले है ना जो गाना मुझे समझ में नहीं आता था डेस भाषा में ये गाना है स्पेनिश भाषा में है ना तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और मैड्रिड में मुख्यालय है प्रतिभूति आयोग आईओसो का और ये क्या होता है जानते हो ये क्या होता है हमारे भारत में जैसा सेबी है ना सेबी 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 जानते हो ना सेबी जो जो शेयर बाजार से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है शेयर बाजार बीएससी एनएसडी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है ना है ना <laughs> नहीं मानूंगी बुरा चलो ठीक है है ना सेबी जो है वो इसका मेंबर है सेबी आई ओ एस सी ओ का मेंबर है है ना सेबी मेंबर है ठीक है तो सेबी का क्या काम है भाई शेयर मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना है और ना एस सीओ का भी यही काम है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं समझ गए चलो तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है वॉट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना आदि आदर्श ग्राम योजना एक योजना है प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू करी गई थी है ना और ये जो शुरू करी गई थी ये <coughs> जो ऐसे जगह ना जो ऐसे गांव है ऐसे इलाके हैं जहां पर जनजातीय लोग बहुत रहते हैं ट्राइबल लोग बहुत रहते हैं उनके लिए आदर्श ग्राम बनाना उनके लिए क्या बनाना आदर्श ग्राम किसके लिए आदर्श ग्राम बनाना आदर्श ग्राम क्या होता है भाई आदर्श ग्राम मतलब ऐसा गाँव जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो अच्छा स्कूल हो अच्छा हॉस्पिटल हो अच्छे रास्ते हो पानी की प्रॉब्लम ना हो इसको आदर्श ग्राम कहा जाता है जहां पर रहने के लिए हर एक सुविधा मौजूद हो टोरेक्स दवाई थैंक्स बेटा आप लोग कितने अच्छे हो यार सब लोग मुझे नुस्खे और दवाइयां जातीय बहुल क्षेत्र में ये जो है आदर्श ग्राम बनाने की इस स्क्रीन में बात करी जाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेटेड विलेज आदिवासी आबादी वाले गांव का परिवर्तन अगला देखो क्या है श्री अरुबिंदो आश्रम घोष फाउंडेड भाई।, भाई श्री और घोष का ये जो साल है ये एक सौ पचासवी वन फिफ्टीएथ बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है है ना वन बर्थ एनिवर्सरी इनकी पूरे साल मनाई जा रही है ना 75 वा हम लोग क्या मना रहे हैं आजादी का अमृत अमृत महोत्सव भी मना रहे ना है ना पचहत्तरवा मना रहे हैं तो वन फिफ्टी एथ बर्थ एनिवर्सरी हम लोग श्री और घोष का मना रहे हैं इनका जन्म हुआ था पंद्रह अगस्त को पंद्रह अगस्त अठारह सो बहत्तर को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था कोलकाता में इनका जन्म हुआ था ठीक है इनकी मृत्यु हो गई थी पौडिचेरी में क्योंकि ये आखिरी में पौंडीचेरी चले गए थे जहां पर इन्होंने आश्रम वगैरह बनवाया था तो और आश्रम इन्होंने बनवाया था यहाँ पर ऑप्शन वही पूछ रहा है कि किसने स्थापित किया था तो ऑरोविंदो घोष जी ने मीरा अल्फासा के साथ मिलकर मीरा अल्फासा के साथ मिलकर ये शुरू किया था है ना ठीक है चलो अगला देखो मैम एमपी करंट भी आप पढ़ाओगे हाँ बेटा मैं पढ़ाऊंगी मैं 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 स्वयं मैं ठीक है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भाई नवंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं नवंबर महीने के आईसीसी किसका होता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट. तो क्रिकेट का ही होता है आईसीसी ठीक है आईसीसी का हेडक्वार्टर आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई दुबई भाई दुबई दुबई कहा है यूएई में है ना और दुबई से पहले ये था लंदन में लंडन में ये पहले था लंडन में पहले इसका हेडक्वार्टर था अभी दुबई में है ठीक है आईसीसी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ दो लोग बने हैं एक है मेन में मेन कैटेगरी कैटेगरी में में एक है वुमेन्स कैटेगरी में ठीक है एक है वुमेन्स कैटेगरी भाई वुमेन्स भी क्रिकेट खेलती है ना स्मृति मंधना वाला मंधना वगैरह को आप लोग जानते होंगे हाँ आईसीसी के हेड का नाम क्या है भाई आईसीसी के जो अध्यक्ष है अध्यक्ष है उनका नाम बताओ अध्यक्ष का नाम बताओ भाई ग्रेग 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 बार्कले 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 जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष है ये याद रखना इस साल हुआ है ना भाई मैच हुआ है ना मैच तो भाई याद रखना ठीक है जो बटलर और सिद्रा अमीन दोनों ही दोनों को ही मिला है इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो क्या है वट इज द न्यू नेम ऑफ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में खोला गया है गोवा में गोवा में ठीक है थीक है ना तो इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रख दिया गया मनोहर पारिकर जो थे मनोहर पारिकर जो थे वो मैम एमपी में फाइव जी लॉन्च हो गया बेटा गुजरात हाँ हाँ एमपी में फाइव जी देखो बेटा भारत के कई सारे ऐसे जगह है जहां पर फाइव जी लॉन्च हो चुका है फाइव जी से क्या कहा जा रहा है पता है कि इतनी जल्दी आपकी जो दो दो जीबी की मूवी है ना वो कुछ ही सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगी दस पंद्रह सेकंड में अभी जब तुम लोग दो की मूवी डाउनलोड करने बैठते हो तो घड़ी जब देखते हो तो कई बार मेरे को तो कई बार क्या दिखाता है पता है मेरे को कई बार दिखाता है भाई आठ घंटे आठ दिन लगेंगे सीधा लिखा रहता है एट डेज मैं देख के बंद कर देती भाई नहीं करना डाउनलोड रहने दो तो, नहीं करना है डाउनलोड है ना मनोहर पारिकर एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई हु बिकेम द फर्स्ट हिंदी राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना मैम कहा पढ़ाते हैं इंदौर सीएमसी इंदौर प्यारी सी कोचिंग है ना चलो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जल्दी से आपका सिलेक्शन होगा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है भैया कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है टॉम ऑफ टॉम ऑफ सेंड टॉम ऑफ सेंड ठीक है टॉम ऑफ सेंड है ना टॉम मतलब मकबरा मकबरा सेंड मतलब रेत रेत का मकबरा मैम कितने बजे तक चलती है सात से आठ चलती है अब गीतांजलि श्री इनका इनकी फोटो देख लो गीतांजलि श्री अब इंपॉर्टेंट बात बताती यहाँ पर तुमको नोट करना है गीतांजलि श्री ऐसी महिला है सबसे पहली ऐसी भारत की पर्सन है बन गई है जिनको बुकर प्राइस मिला है इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा में किताब लिखने में हिंदी भाषा में इन्होंने ये किताब लिखी इस किताब का नाम है टॉम ऑफ सैंड ये बुक है ये किताब है बेटा किताब ये इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी हिंदी में लिखी हिंदी में हिंदी नोवेल नोवेल पढ़ते हो आप लोग हिंदी नोवेल लिखी है इन्होंने और इस नोवेल को पहली बार ये ऐसा किताब बन गया है जो हिंदी में लिखा गया है और जिसको इंटरनेशनल लेवल पर बुकर प्राइज मिला है ये याद रखोगे याद रखोगे भूलना मत इनका नाम गीतांजलि श्री है अरुंधति रॉय की एक किताब है क्या अरुंधति रॉय की किताब है क्या अरुंधति रॉय की किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनको भी बुकर प्राइज पहला बुकर बुकर प्राइज जो है वो अरुण धती रॉय को मिला था लेकिन ये किताब हिंदी में नहीं थी ये किताब हिंदी में नहीं थी ये किताब हारे का मकबरा यह किताब हिंदी में नहीं थी अगला क्वेश्चन देखो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हैज बीन इन प्लेस काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नेपाल नेपाल की कैपिटल काठमांडू है नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू की मैं बात करूं काठमांडू काठमांडू की मैं बात करूं तो यहाँ पर सार्क का मुख्यालय है सार्क सार्क का मुख्यालय समझ गए सार्क का हेडक्वार्टर है और यहीं पर ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में एक रेंज है महाभारत रेंज महाभारत महाभारत रेंज रेंज मतलब पहाड़ियों की श्रृंखला पहाड़ियों की चेन को रेंज, रेंज कहा जाता है महाभारत रेंज कहाँ पर है भैया नेपाल में है नेपाल में याद रखोगे महाभारत रेंज मैपिंग भी करते रहना हाँ पशुपति मंदिर भी यहीं पर है बहुत अच्छा पॉइंट बताया बेटा तुमने पशुपतिनाथ मंदिर पशु पशुपतिनाथ पशु, पशुपतिनाथ मंदिर है ना ये कहाँ पर है नेपाल में है ठीक है नेपाल में है है ना नेपाल से एक नदी आती है भारत में जो कि भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाती है उस नदी का नाम है काली नदी जिसको सार्क मीन्स बेटा सार्क शार्क फिश भी तो है मैम अरे फिश भी है बेटा फिश तो है ही फिश तो है ही लेकिन यहाँ पर फिश की बात नहीं कर रही हूँ ये ये सार्क जो है ना ये आठ देशों देशों का एक समूह है जैसे ब्रिक्स है है ना ब्रिक्स भी है है ना वैसे ही आठ देशों का एक समूह है सार्क जिसमें साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आते हैं जैसे कि भारत है पाकिस्तान है ये सारे जो है ना सार्क के मेंबर्स सा, है अफगानिस्तान वगैरह सार्क के मेंबर्स सा. है अगला देखो क्या है भाई बदरी ब्रीड इज रिलेटेड टू विच एनिमल भाई बदरी ब्रीड बदरी बदरी नस्ल बदरी नस्ल एक काऊ की नस्ल है गाय की एक नस्ल है बदरी जमुना परी किसकी नस्ल है जमुना परी जमुना परी जमुना परी जो है जमुना परी जो है वो गोट की नस्ल है है ना जमुना परी जो लोग जो लोग एमपी के एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे भैया वो याद रखेंगे वो भैया बहने याद रखेंगे जमुना परी के बारे में जमुना परी है ना यमुना परी के बारे में याद रखेंगे बड़े बड़े कानों वाली गाय होती है बकरी होती है ये बकरी ठीक है है ना अगला देखो क्या ग्रीवियंस रेड्रेसल इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर क्या है शिकायत निवारण सूचकांक में भैया बहने भाइयों और बहनों भैया कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ बिल्कुल कड़कनाथ भी मुर्गे की एक नस्ल एकदम काले रंग का होता है काले रंग का अरे अभी दो दिन पहले पता क्या बताया दो दिन पहले एक पर्सन जा रहा था मेरे मेरे सामने सामने से से है ना एक पर्सन जा रहा था अब उसको उसका दोस्त दिख गया होगा दोस्त दिख गया होगा अच्छा खासा उसने पी रखी थी अच्छी खासी पी रखी थी उसने और उसके हाथ में थे दो मुर्गे काले रंग के मुर्गे थे ऐसे लेकर जा रहा था है ना ऐसे लेकर जा रहा था वो दो मुर्गे मुझे तो देख के इतना बुरा लगाना उन दो मुर्गों को ऐसे उल्टा लटका क्या क्या बोलता है अपने दोस्त को आज देसी बनेगा देसी आज देसी बनेगा भाई मुझे इतनी हंसी आई ना उसपे मतलब सोचो तो क्या, कैसे लोग है? UIDAI भाई UIDAI आधार कार्ड आधार कार्ड जो बनवाते हो ना आप लोग इसका पूरा डेटा किसके पास रहता है आधार कार्ड का पूरा डेटा किसके पास रहता है यू आई डी ए आई के पास रहता है यू आई डी ए आई जो है ये 2009 में 2009 में बना था 2009 में बना था ठीक है, है ना? तो आधार कार्ड का पूरा डेटा और इसी यू को मिल गया है पहला रैंक ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स मतलब हर तरह की शिकायतों का निवारण करने में सबसे फास्ट है यू आपको आधार कार्ड से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी प्रॉब्लम आप ऑफिस जाओ वहां पर जाकर अपना शिकायत दो वो लोग तुरंत आपका काम करके देंगे और इसलिए इनको फर्स्ट रैंक मिला है फर्स्ट रैंक अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका है अब हमारे क्विज कुछ के क्वेश्चन आ गए है क्विज कुछ के क्वेश्चन ठीक है कुछ लोगों की गुड मॉर्निंग बड़ी लेट हुई है आज बारिश भी हुई है क्या बारिश कई जगह में आज बारिश हुई है है ना पाला भाई पाल पाल साम्राज्य था ना पाला साम्राज्य पाला साम्राज्य जानते हैं ना आप लोग है ना गोपाला धर्मपाला इन लोगों ने कई सारी यूनिवर्सिटीज की भी जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज भी बनाए थे गोपाला धर्मपाला है ना तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर बताओगे आप लोग और <coughs> पानीपत का पहला युद्ध भाई पानीपत का पहला युद्ध गोपाला पानीपत पथ का पहला युद्ध जो कि हरियाणा पानीपत का हरियाणा में है ना है ना चलो तो ये युद्ध जो है ये प्रथम विश, प्रथम प्रथम युद्ध किस साल हुआ था किस साल हुआ था अरे आंसर आने लगे 1956? बेटा आंखों को थोड़ा ऐसे करो थोड़ा ऐसे करो ऐसे ऐसे करो प्रियंका बेटा आंखों को 19, 20, 1956 नहीं थोड़ा ऐसे ऐसे करो ऐसे से। हाँ ठीक है 1926 ये देखो 1956, 1926, 91191, 19... 1191, 1857 अरे भाई अरे भाई अरे भाई मैं ही लिख देती हूँ मैं ही लिख देती हूँ 1526 में हुआ था भाई तुम लोग कितने सन बता रहे हो यार है 1857, 1926 है <laughs> ना चलो 1526 में पहला बैटल हुआ था ठीक है है ना तो आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो यही खत्म होती है समाप्त होती है तो आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे सीएमसी इंदौर ऐप ठीक है आप लोग चैनल में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे देखिए ये टेलीग्राम चैनल है ना इसमें मैंने आप लोगों को जितना भी पीपीटी में लिखवाया है इब्राहिम लोदी और बाबर बिल्कुल लोदी साम्राज्य को गिराने के लिए यह किया गया था और लोदी साम्राज्य के गिरने पर क्या हुआ लोदी साम्राज्य के गिरने पर दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया और मुगलों का जो स्थापना है वो हो गया मुगल लोग दिल्ली सल्तनत को हटाकर अपना कब्जा कर चुके थे और पहला युद्ध ये जो था ये लोधी को हटाने के लिए हुआ था समझ गए चलो और उसके ही करीबी ने ये करवाया था लोधी के करीबी ने करवाया था है ना चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे इसमें पीपीटी में मैंने जो भी लिखवाया है <coughs> सारा आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो चलो जो जो मुझे थैंक थैंक्स कह रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम और मैं सबको थैंक यू कहना चाह रही हूँ तो थैंक यू सो मच तो आज का जो सेशन है वो हम यही खत्म करते हैं मिलते हैं फिर से शाम को बायोलॉजी की क्लास में तो आज के लिए इतना ही वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आपका जो दिन है वो बहुत बहुत शुभ हो थैंक यू सो मच